पब्लिक टीवी आपकी आवाज। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में आज ब्राह्मण समाज के विभिन्न संगठनों के लोगों ने प्रदेश की योगी सरकार के खिलाफ हुंकार भर दी। ब्राह्मण समाज ने योगी सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर ब्राह्मण समाज सरकार बना सकता है तो बिगाड़ भी सकता है। दरअसल ब्राह्मण समाज के लोग मुरादाबाद पुलिस की कार्यप्रणाली को लेकर रोष में है, जिसके चलते आज ब्राह्मण समाज के लोग सड़क पर उतरे और एक जुलूस की शक्ल में कलेक्ट्रेट जा पहुंचे। ये प्रदर्शनकारी ब्राह्मण समाज के लोग अपने हाथों में बड़ा सा बैनर लिए हुए थे, जिस पर लिखा था ब्राह्मण समाज एकता। दरअसल विगत 10 दिनों में भाजपा से जुड़े पूर्व ब्लॉक प्रमुख ललित कौशिक को मुरादाबाद पुलिस ने शहर के कई चर्चित हत्याकांडों में आरोपी बनाते हुए जेल भेजा है, जिसका विरोध करने के लिए ब्राह्मण समाज के लोगों ने आज मुरादाबाद पुलिस के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ से न्याय की गुहार लगाई है। प्रदर्शनकारी लोग नारा लगा रहे थे, ब्राह्मण की हत्या और ब्राह्मण ही गिरफ्तार। इन लोगों ने डीएम कार्यालय पहुंचकर नारेबाजी की और एक ज्ञापन मुख्यमंत्री के नाम डीएम को सौंपा। मेरा नाम दिलीप कुमार झा, एडवोकेट जी। दिलीप कुमार झा, किस तरह का प्रदर्शन किया जा रहा है, क्या ये ब्राह्मणों के ऊपर अत्याचार के मामले में जो है, हम जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन प्रस्तुत कर रहे हैं, इसीलिए हम लोग सब लोग करते हैं ब्राह्मण समाज पूरा इकट्ठा। क्या मांग है, क्या मामला है, क्या मामला यह है कि जो ब्राह्मण जो इसमें जो निर्दोष लोग हैं उनको पुलिस द्वारा फंसाया जा रहा है। हम निष्पक्ष काम की मांग है। नाम दिखाई सुन भैया, ललित कौशिक एडवोकेट जो है उनका सम्मानित व्यक्ति है, उनके खिलाफ जो कार्रवाई हुई है उसकी निष्पक्ष जांच की बात कर रहे हैं कि किसी निर्दोष को बेवजह का पुलिस फंसा रही है, उसके लिए जो है निर्दोष इसमें निष्पक्ष जांच हो। किस मामले में फंसाया गया है? एक तो श्वेतेव तिवारी के मर्डर केस में उन्हें फंसाया गया है, अभियुक्त बना दिया गया, और ऐसा लगता है कि जल्दीबाजी में या अन्य किसी दबाव में कारण पंडित ललित कौशिक जी को अभियुक्त बनाया गया, जबकि ब्राह्मण समाज में दोनों एवं डॉक्टर ललित कौशिक एडवोकेट सम्मानित व्यक्ति है दोनों जन। आपकी क्या मांग है? हमारी मांग यह है कि जो भी निष्पक्ष जांच होना चाहिए, जो निर्दोष लोग हैं उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, दोषी लोग उन्हें पकड़ा जाना चाहिए, ये हमारी। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।